मोहब्बत इतनी खूबसूरत चीज है, अगर हमें कभी किसी से हो जाए तो वो इंसान को ना जाति याद रहती है ना धर्म, और अगर प्यार सच्चा हो और वो मुकम्मल हो जाए तो उससे खूबसूरत चीज शायद ही और कोई होती है। दरअसल देखा भी गया, बॉलीवुड में तमाम जोड़ियों ने प्यार किया और वो प्यार उन्हें हासिल भी हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी सेठी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। बॉलीवुड में इन दिनों देखा जा रहा है कि जिस जिस जोड़ी ने प्यार किया और वो प्यार सच्चा साबित हुआ तो उनकी शादी भी हुई, जैसे कि दीपवीर, जहां पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक दूसरे को पिछले 6 सालों से डेट कर रहे थे, तो वहीं देखा गया कि उनका प्यार फाइनली उन्हें मिल गया। और हाल ही में प्रियंका और निक भी काफी लंबे अरसे से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और इनका प्यार भी कहीं ना कहीं सच्चा था, इसलिए शादी भी हुई। क्योंकि बॉलीवुड में देखा गया है कि डेटिंग करना कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर हाँ, डेटिंग के बाद शादी करना बॉलीवुड में ये काफी बड़ी चीज है, जो प्रियंका और निक हासिल कर चुके हैं। जहां पर जोधपुर में प्रियंका और निक ने 1 और 2 दिसंबर को दो रीति रिवाज से शादी कर ली, तो वहीं 4 दिसंबर को दिल्ली में उन्होंने ताज पैलेस में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी को रखा, जहां पर नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और उन्होंने प्रियंका और निक से मुलाकात की, ढेर सारी शुभकामनाएं दी और यहां पर बेहद ही खास लोगों को भी देखा गया। वहीं यहां से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर प्रियंका चोपड़ा स्टेज पर बैठी हुई है निक जॉनस के साथ, तो यहां पर देखा गया कि प्रियंका चोपड़ा निक जॉनस से कितना प्यार करती हैं। दरअसल जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपनी कहानी को खुद बयां कर रही हैं। यहां पर देखा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा निक जॉनस के पसीने तक पहुंच रही है, वाकई ये काफी खूबसूरत है। और अगर बात करें निक की, तो भाई निक की मोहब्बत भी कुछ कम नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जब 1 दिसंबर को क्रिश्चियन रीति रिवाज से निक जॉनस ने प्रियंका चोपड़ा से शादी की थी और प्रियंका चोपड़ा जब व्हाइट गाउन पहने हुए आ रही थी, तब निक जॉनस की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वाकई काफी ही खूबसूरत है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं और हमें पता है कि बस फाइनली कुछ ही चंद घंटों के बाद वो हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा, तो भावुक होना भी लाजमी है। आप देखिए हमारे इस प्रोग्राम में किस तरह से ये तस्वीरें अपनी कहानी को, अपनी मोहब्बत को खुद बयां करती देखी जा रही हैं। टेक अ लुक। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। प्यार है ही इतना खूबसूरत भाई, अगर किसी को भी हो जाए तो वो बस यही गुनगुनाता है कि भाई वो तो अब प्यार नहीं हो चुका है और इसी प्यार को अपनी मंजिल मिल चुकी है। जी हाँ, यानी कि प्रियंका और निक के प्यार को तो अब भाई मंजिल मिल चुकी है, जो मंजिल शादी थी, जहाँ पर 1 और 2 दिसंबर को जोधपुर के उम्मेद पैलेस में प्रियंका और निक ने शादी कर ली। भाई शादी हो गई तो वहीं 4 दिसंबर को ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी रखी गई, जो दिल्ली के ताज पैलेस में थी, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत की है। जी हाँ, आपको बता दें कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी यहां पर प्रियंका और निक की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी प्रियंका और निक को आशीर्वाद भी देते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर प्रियंका और निक भी वाकई ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि भाई निक ही प्रियंका से इतना प्यार करते हैं और हमारी देसी गर्ल उनसे प्यार नहीं करती। दरअसल सोशल मीडिया पर जब निक और प्रियंका की शादी की तस्वीरें सामने आई, तो देखा गया कि भाई एक निक की तस्वीर सामने आ रही है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जहां पर निक जॉनस के आंसू निकल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा को क्रिस्टल लुक में उनकी ब्राइडल के रूप में देखते हुए। यहाँ पर भाई एक चीज तो साफ हो गई कि भाई निक जॉनस भाई प्रियंका से बहुत प्यार करते हैं। अब ऐसे में आप ये ना सोचें कि भाई खाली निक ही प्यार करते हैं। दरअसल बता दें कि रिसेप्शन पार्टी में भी कुछ ऐसा देखा गया जिससे साफ हो गया कि भाई प्रियंका चोपड़ा भी निक जॉनस से कम मोहब्बत नहीं करती। दरअसल जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर प्रियंका और निक स्टेज पर बैठे हुए हैं, तो वहीं यहाँ पर भाई प्रियंका निक जॉनस के
भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल वीडियो थी, जिस वीडियो में से ये दो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की इतनी केयर कर रही है। देखा गया है कि जब से इनकी डेटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से ही ये दोनों ही काफी ज्यादा रोमांटिक तो होते दिखाई देते हैं। वहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये दोनों एक दूसरे का काफी ख्याल रखते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये जोड़ी काफी ज्यादा अटपटी है, ये जोड़ी काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि एज का काफी गैप है। मगर आपको बता दें कि भले ही जोड़ी अटपटी हो या फिर जोड़ी अनोखी हो, मगर इनके बीच का प्यार ही इनकी मोहब्बत को दास्तां कर रहा है। जहां पर भाई शादी हो गई, भाई बॉलीवुड में अक्सर देखा गया है कि डेटिंग का सिलसिला चलता है, भैया सिलसिला चलता है तो जरूरी तो नहीं कि शादी हो जाए। मगर निक और प्रियंका ने शादी कर ली। अब फैंस जानना चाहते हैं कि भाई कब होगी इनकी मुंबई में रिसेप्शन पार्टी, जहां पर सितारों को बुलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि 15 और 16 दिसंबर को निक और प्रियंका मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी को रखेंगे। कहा तो यही जा रहा है कि अभी 15 या 16 में से डेट फाइनल नहीं हुई है, तो फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा। तब तक के लिए हम फैंस के इंतजार को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको अब फुल वीडियो दिखाएंगे दिल्ली वाले रिसेप्शन पार्टी की, जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस और हर कोई खूबसूरत अंदाज में दिखाई दे रहा है। आप देखिए हमारी ये वीडियो कितनी ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक हो रहे हैं प्रियंका निक। दीदी कौन बोल रहा है सामने? दीदी अबे तुम्हारी अबे चुप रह रहे, काम करने दे। ये सेंटर ऑल ऑफ द सेंटर लेफ्ट राइट। हेलो भैया, कितना खींचो? डिसाइड डिसाइड ऑन सेंटर सेंटर ऑल ऑफ द सेंटर। थैंक यू सब आ गया। जो छोटी मत करना, अरे रिलीज मत करना। बीमार था जिसका नाम क्या है, छोटे वाले जॉय, वन फोटो बहुत ऑफ यू। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा स्पेशल प्रोग्राम में, जहां पर हमने निक और प्रियंका की कुछ तस्वीरें आपको दिखाई हैं, जो अपने प्यार की दास्तां को बयां कर रही हैं। आपने देखा कितनी खूबसूरत अंदाज में यहां पर प्रियंका चोपड़ा निक जोनस का ख्याल रखती दिखाई दे रही हैं। और वहीं हमने आपको वीडियो में भी दिखाया किस तरह से मीडिया के सामने निक जोनस प्रियंका चोपड़ा को किस करते हैं। भाई प्यार किया तो डरना क्या, ये कहानी को साफ तौर से बयां कर रहे हैं प्रियंका और निक जोनस। आपको बता दें कि जहां पर दिल्ली में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी को रखा गया था, जहां पर बेहद ही खास और लिमिटेड लोग आए थे,
वहीं कहा जा रहा है कि 15 और 16 दिसंबर को जब मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी रखी जाएगी तो बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के तमाम बड़ी शख्सियत यहां पर आती हुई दिखाई देंगी। जी हां, अब इंतजार है तो प्रियंका चोपड़ा की अब बॉलीवुड वाली रिसेप्शन पार्टी का, क्योंकि देखा गया कि पिछले दौरान 1 दिसंबर को दीप वीर ने मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में बड़ी ही शाही अंदाज में रिसेप्शन पार्टी को रखा था, जहां पर बॉलीवुड का हर एक सदस्य दिखाई दिया और हर एक किसी का यहां पर खूबसूरत अंदाज भी सामने आया। तो ऐसे में अब बारी है बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की, तो थोड़ा इंतजार हमें भी करना होगा और यकीनन थोड़ा सा इंतजार फैंस भी करेंगे, क्योंकि अभी समय है 15 और 16 दिसंबर के आने को, जब मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी प्रियंका चोपड़ा देंगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।